नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। मैं शिवांगी, चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सिपाही को गाड़ी देना, पत्रकार को पड़ा भारी। जगदीशपुर कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों ने किया वर्दी को दागदार। अमेठी जगदीशपुर कोतवाली में तैनात पुलिस कर्मियों ने किया वर्दी को दागदार। असलाह तस्कर के साथ गए थे बाराबंकी के सुवेहा थाना क्षेत्र के युवक का अपहरण करने। पत्रकार से झूठ बोलकर पुलिस कर्मियों ने मांगी थी गाड़ी। देर रात जगदीशपुर कोतवाली पहुंची बाराबंकी पुलिस ने घटना में प्रयोग गाड़ी को किया जब्त। घटना के आरोपी चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर प्रकरण की जांच SP अमेठी विनोद कुमार को सौंपी। इंडिया आज तक टीवी लाइव 24 न्यूज के लिए अमेठी से ब्यूरो चीफ अंकित यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सानू कुमार शुक्ला है। अभी सुबह थाना से एक गाड़ी का प्रकरण आया आपका, क्या है पूरा मामला? सर, एक्चुअली मंगलवार को हमारी गाड़ी को यहाँ के जगदीशपुर थाना के शिवदयाल सिपाही राकेश सिंह, हमें करीब 10 बजे हमें फ़ोन किए कई बार कि भाई साहब आपकी गाड़ी चाहिए, हमें थोड़ा कहीं 1 घंटे का काम है, आप गाड़ी दे दीजिए। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, हम कई बार हमें फ़ोन किए, तो फिर हम आए, आने के बाद मेरी गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद में पता नहीं कहाँ चले गए, हमने उनके पास कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। फिर 11 बजे की गाड़ी ले गए थे मेरी, ला के मुझे 5 बजे 5:30 बजे हमारी गाड़ी हमें दिए हैं। उसके बाद में कल शाम को सुबह पुलिस और बाराबंकी जगदीशपुर पुलिस हमारे घर पे जा करके हमारी गाड़ी को उठाकर लेकर आई है, और कुछ पूछने पे कुछ बताई नहीं है। और मैं सानू शुक्ला, वन इंडिया न्यूज़ 24 से पत्रकार हूँ। इसी के सिलसिले में हमारी उनसे मतलब खबरों के उस पर बातचीत होती रहती थी, उनका हमारा व्यवहार था, इसीलिए हमने उनको गाड़ी दे दिया। इससे पहले भी गाड़ी लिया है क्या? हाँ, इससे पहले भी कभी कभी गाड़ी कुछ काम पड़ता था तो मांगते थे तो हम दे देते थे। अब हमें पुलिस पर मतलब इतना थोड़ा बहुत विश्वास था कि मतलब ये लोग इतनी हद तक नहीं जाएंगे, हमें इतना वो नहीं पता था।